श्रद्धा को विश्वास की आंखें कभी नहीं बंद करनी चाहिए। और अगर अपने लौकिक जीवन में देखो, आप अपने सांसारिक जीवन में देखो, तो एक स्त्री को अपने पुरुष को कभी भी केवल घर में ही बांधकर नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री घर के पुरुष को केवल घर में ही बांध कर रख देगी, उसके संसार में भी अंधेरा हो जाएगा। बहुत सी स्त्रियां हैं, बस मेरी ही सुने, मेरी ही सुने, कितनी सुनेगा भाई। एक हद होती है, आप उसे संसार में बांध कर कैसे रख सकती हैं? स्त्री तत्व के रूप में प्रकृति की जिम्मेदारी है अपने कर्तव्य को निभाना, और पुरुष तत्व के रूप में शिव की जिम्मेदारी है अपने कर्तव्य को निभाना। कोई किसी के कर्तव्य में बाधक नहीं बन सकता, कोई किसी के कर्तव्य में उसे अपनी ओर नहीं खींच सकता। ये तो प्रकृति और पुरुष दोनों को स्वतंत्रता है। इसीलिए अब जितने सारे चुटकुले आते हैं उसमें ढेर मियां बीबी लड़ते ही लड़ते दिखाई देते हैं। देखो, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, तुमने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा, तू मर तो सही, मैं तेरे लिए ताजमहल बना। बड़ी विचित्र कहानी है। पापा, मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मम्मी को बिना पूछे कहीं चला जाऊं? बेटा, तूने तो रुलाने वाली बात कह दी। इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ कि तेरी मम्मी को बिना पूछे कहीं चला जाऊं, तो मैं तुझे कैसे बताऊं? बड़ी कहानी विचित्र हो गई है। घर घर केवल और केवल संघर्ष संघर्ष संघर्ष। एक तो कह रहे थे कि सबके घर में से तो थोड़ी थोड़ी लड़ाई की आवाज आती है, आपके घर में से हमेशा हंसने की आवाज आती है, कभी लड़ाई की आवाज नहीं आती। तो पति पत्नी बोले, नहीं, हमारी लड़ाई की आवाज नहीं आती। तो आपकी लड़ाई कभी नहीं होती है? तो पति बोला कि हाँ, होती तो है, पर जब कभी लड़ाई होती है तो मेरी पत्नी कुछ बोलती नहीं है, जो हाथ पड़ता उठा के मार देती है। अगर लग जाता है तो वो हंस लेती है, अगर नहीं लगता, बच जाता है, तो मैं हंस लेता हूँ। ऐसे करके हम दोनों हंसते रहते हैं। घर घर संघर्ष हो रहा है। कितना लड़ोगे? अपने अपने कर्तव्य को क्यों नहीं पूरा करते? ये जो दो शरीर बनाए हैं ब्रह्मा जी ने, ये एक दूसरे को पूरा करने के लिए बनाए हैं, ना कि संघर्ष करने के लिए। अगर एक दूसरे को पूरा करने वाले बन जाओगे तो ये घर शिवालय हो जाएगा, और संघर्ष करोगे तो वही घर नरक हो जाएगा। कछु बात पल्ले पर रही है? समझ में आ रही है कि ना है? ना आ रही? आ रही है? बुढ़ापे में लड़ो तो फिर भी समझ में आता है। नए नए जोड़े लड़ने लग रहे हैं, मत लड़ो। क्यों लड़ना? छोटी सी जिंदगी है, मुट्ठी में भरे हुए रेत की तरह फिसल रही है। कब कौन यहाँ गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलता, और जो एक बार चला जाता है कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए अपनों से प्रेम करो, लड़ो मत।